Hi, I'm back with another video. I am Arjun Adhikari from Tri-City Property Guru and आज मैं review करने वाला हूँ Joy Smart Homes को. Location की अगर बात करूँ तो it's in the prime location of Tri-City. Yes, जहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी ही नहीं पूरा का पूरा सेक्टर ही बाउंड्री वॉल से कवर्ड मिलेगा. Yes, I'm talking about वेव स्टेट सेक्टर 85 मोहाली. यहाँ 18 थीम बेस्ड पार्क आपको मिल जाते हैं, बोथ साइड कमर्शियल मार्केट मिल जाती है. इट मीन्स डेली नीड की जो रिक्वायरमेंट है वो आपके फुलफिल हो रही है. इवन इन अ कॉल डेली नीड्स के गुड आपके डोर स्टेप पर होंगे. एंड इसी सेक्टर की जो प्लस पॉइंट है वो ये है, इस सेक्टर में पब्लिक बिल्डिंग बिल्कुल साइड में है. इवन स्कूल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जो है वो सारा सेपरेट रहेगा, यानी कि आपके रेजिडेंशियल एरिया के अंदर अननेसेसरी ट्रैफिक जनरेट नहीं होगा. 40 फीट वाइड रोड मिल जाती है, क्लब हाउस मिल जाता है, LED स्ट्रीट लाइट मिल जाती है, 24 आवर पावर बैकअप मिल जाता है. इसी सेक्टर के अंदर आपको शॉपिंग मॉल तक मिल जाता है, 5 acre का आर्टिफिशियल लेक आपको मिलने वाला है. Isn't it great? So yes, it is Joy Homes. Now I'm taking you to the sample apartment of Joy Smart Homes Phase 1. So now I'm at the main entrance of your apartment, जहाँ पर S+4 का concept है, यानी कि straight में आपकी ये पूरी parking आ गई, आपका store room आ गया, lift आ गई. Now let's come. Here is a staircase. एक फ्लोर के अंदर दो अपार्टमेंट रहेंगे, सेंटर में आपकी लिफ्ट रहेगी. नाउ आई एम टेकिंग यू टू द सैंपल अपार्टमेंट, लेट्स कम इन. यस, एज आई टोल्ड यू दैट इट्स अ जॉय स्मार्ट होम वेलकमिंग बाय दिस टॉल डोर एंड अ बायोमेट्रिक लॉक. एंट्री करते ही जॉय स्मार्ट होम के आपको सबसे पहले मिल जाता है आपका ये ड्राइंग एरिया, कम्स अंडर अ साइज ऑफ 12x16. और इस घर के अंदर आपको सारे के सारे स्विचेस, स्मार्ट स्विचेस मिलेंगे एंड सेंसर लाइट्स मिलेंगे आपको वॉशरूम के अंदर. नाउ दिस ड्राइंग एरिया हैविंग द एक्सेस टू द बालकनी. सो दिस इज अ क्वाइट स्पेशियस बालकनी व्हिच इज फर्दर कनेक्टेड टू योर फर्स्ट बेडरूम. एंड यस, ये पूरा का पूरा अपार्टमेंट बोथ साइड ओपन रहेगा. इट मींस लाइट और वेंटिलेशन की प्रॉब्लम तो बिल्कुल नहीं होने वाली. एंड यहाँ पर इस बालकनी में बैठकर आप पार्क व्यू को एंजॉय कर सकते हैं और अपने गेस्ट को, अपने फ्रेंड्स को हाय हेलो भी बोल सकते हैं. आफ्टर द बालकनी टूर, नाउ लेट मी टेक यू टू द डाइनिंग एरिया. सो दिस इज द डाइनिंग एरिया वेयर दे प्लेस द 6-seater डाइनिंग टेबल. उसके बाद भी वी हैव लॉट्स ऑफ एम्पल स्पेस. यहाँ पर देर इज अ ब्यूटिफुली डिजाइंड काउच इन्होंने असेंबल कर रखा है एंड देर इज अ बिग क्लॉक. मुझे पता है जब आपका भी माइंड चलेगा तो आई नो आप इसकी ब्यूटी को और एनहांस कर देंगे. इसी के साथ साथ लेट्स मूव टू द किचन. किचन में जाने से पहले ही वी हैव दिस ब्यूटिफुली डिजाइंड वुडन पैनल जहाँ पर आप अपने किसी भी शोकेस को रख सकते हैं. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द kitchen, which is very spacious, comes under a size of 9x13, where they are providing you double sink, upper and lower cabinet, window, a provision for chimney and hob, and a provision for double door refrigerator. Now let me take you to the guest bedroom, or we can say that first bedroom of this apartment. वाह वाह वाह, इट इज़ ऑसम. यहाँ पर तो इंटीरियर डिजाइनर ने इस रूम को बड़े अच्छे से डेकोर कर रखा है विद द कलर कॉम्बिनेशन एंड ऑल थिंग आर गुड. आई नो जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप इससे भी अच्छा कुछ सोच सकते हैं. यहाँ पर इन्होंने LED पैनल को भी बड़े अच्छे से डेकोरेट कर रखा है विद दीज ड्रॉज. एंड वॉट दे आर प्रोवाइडिंग यू, राइट, द क्वेश्चन इज दिस कि डिवेलपर आपको क्या दे रहा है. तो डिवेलपर आपको दे रहे हैं सेम विटिफाइड टाइल्स, अ बेसिक फॉल सीलिंग एंड एक्सेस टू द बालकनी which is further connected to your drawing room. इस रूम की अगर मैं साइज की बात करूं तो ये पूरा जो रूम है 11x16 में है और इसी में ही आपको मिल जाता है फुल लेंथ वार्डरोब विद गुड स्पेस एंड अटैच वॉशरूम. वेयर दे आर प्रोवाइडिंग यू वेनिटी, ऑल बैंडेड फिटिंग, विंडो विद द प्रोविजन ऑफ एग्जॉस्ट फैन. So this washroom is used as common washroom. Now let me take you to the second bedroom of this apartment. Wow, it is also quite spacious, comes under a size of approximately 11x16, where they are providing you a provision for LED and AC, and this room is attached with the balcony.
And in this room, they are providing you this full-length wardrobe and an attached washroom with anti-skid tile, full-length wall tile, all vendor fittings, vanity, window with the provision of exhaust fan. Now, let me take you to the third bedroom of this apartment. Before entering to the third bedroom, here is a puja room, comes under a size of 5x9. So this is your master bedroom, comes under a size of approximately 11x16. Jahan aap dekh sakte hain king size bed lage hone ke bavjood bhi, we have ample space to move up, jahan par do settings aaram se aa gayi hain. This side of room is having separate dressing area with full length wardrobe and attached washroom. And this side of this room is having access to the balcony where you are having mesh door and UPVC toughened glass. So this is your running balcony and this area is used as a utility area. This balcony is further connected to your second bedroom. You like the virtual tour of this apartment and yes, don't forget to subscribe to our channel agar aapne abhi tak nahi kiya hai to. Comment karke batana ki aapko sabse zyada achhi cheez kya lagi is apartment ki. Agar mujhse koi question puche ki Arjun aapko kya acha laga, to mera answer rahega location and the apartment is both side open. It means daylight aur ventilation ki problem to nahi hone wali. Aur main personally chahunga ki aap aaye aur visit kare. The number is given below. Like this video, share with your family and friends. Milte hain next video mein.